हेलो स्टूडेंट, आई एम दिनेश गिरी। हियर आई एम क्वांटिटेटिव एंड फिजिक्स टीचर। वेलकम यू ऑल इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ रिसर्च एकेडमी। स्टूडेंट, इन योर प्रीवियस लेक्चर यू हैड ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द एम्पीयर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन इन सोलेनोइड एंड इन टोरॉइड। ओके, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे फोर्स कितना लगता है किसी भी मूविंग चार्ज पे जब वो किसी वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो कितना फोर्स लगता है। तो सपोज दैट हियर इज थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई एंड जेड। ओके, एंड अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू कूलम, अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू कूलम एंटर एट द ओरिजिन एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अलॉन्ग द एक्सिस वाई। द मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स अलॉन्ग द वाई एक्सिस एंड अ पॉजिटिव चार्ज एंटर्स एट ओरिजिन with velocity is v and it is makes an angle of theta with magnetic field. Its magnitude is v and it is making an angle of theta with magnetic field. Okay, what is the force acting on this moving charge? We are now going to discuss about it. So suppose that this is your yz plane and the charge moving in xy plane. So this is your xy plane in which charge is moving and it is your yz plane. Whenever this charge is moving in this magnetic field, it deflects, it experiences a force which is known as magnetic Lorentz force. इसको सबसे पहले एक डच फिजिसिस्ट हेनरिक अंतोन लॉरेंज ने देखा था, इसलिए उनके नाम पे इसको मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो हम यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड होगा और क्या डायरेक्शन होगा ये हम देखेंगे। ओके, सो द मैग्नेटिक फोर्स, सपोज दैट अ चार्ज ऑफ क्यू कूलम एंटर्स एट ओरिजिन मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड with the direction of magnetic field. With the direction of magnetic field, if the velocity of charge is v and the magnetic field is b, then the force acting on the charged particle
depends on depends on first the force, the magnitude of force on moving charge depends on various factor. First, it is directly proportional to the amount of charge or magnitude of charge. Hence, it is directly proportional to the magnitude of charge. It is directly proportional to the magnitude of charge. It means F is directly proportional to Q. It is your equation number first. Second, it is directly proportional to the magnitude of magnetic field. It is directly proportional to the magnitude of magnetic field. It means F is directly proportional to B. This is your equation number second. And third one, यहाँ पे देखिए, अगर चार्ज की वेलोसिटी v है तो इसको कंपोनेंट, इसको रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट में तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो v cos थीटा होगा और जो इसके परपेंडिकुलर होगा इट मीन जो x डायरेक्शन में होगा वो होगा v sin थीटा. ये रिजोल्यूशन आप वेक्टर में आप पढ़े होंगे. If velocity is a vector quantity, so it can be resolved into two perpendicular components. So, one component जो होगा वो v cos theta है और जो perpendicular component है वो v sin theta है. तो जो भी force इस charge पे काम करता है वो v sin theta के भी directly proportional होता है, यानी perpendicular component के भी directly proportional होता है. तो आप लिख सकते हैं यहां पे द मैग्नेटिक फोर्स आर बीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर It means we can write F is directly proportional to V sin theta. This is your equation number. तो जो भी फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे काम करता है वो बेसिकली इन तीन पैरामीटर पे डिपेंड करता है. फर्स्ट, ये चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. सेकेंड, ये मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. और इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर. नाउ ऑन कंबाइनिंग दी थ्री इक्वेशन, यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. ऑन कंबाइनिंग दी थ्री इक्वेशन वी कैन राइट F is directly proportional to QVB sin theta. QVB sin theta. इसको हम कंबाइन करेंगे तो लिख सकते हैं QVB sin theta या QVB sin theta. ओके? आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनैलिटी आता है इसको हम किसी कांस्टेंट को पुट करके रिमूव कर सकते हैं. तो वी कैन राइट F इज इक्वल टू KQVB sin Where K is your proportionality constant, which value is 1. So we can write F is equal to Q V B sin theta. This is your
this is the magnitude of force which are acting on charged particle which are moving in magnetic field. F is equal to q v b sin theta. Okay. अब इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं. आपको पता है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. सो एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, F इज इक्वल टू q v क्रॉस फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू, सिंस q इज अ स्केलर क्वांटिटी इसको अलग रखेंगे और यहां पे आप लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू q v क्रॉस v. यहां पे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कुछ स्टूडेंट की अब v क्रॉस v है, v क्रॉस v है, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे टू बी क्रॉस बी, बी मीन्स बाद में, तो ये बाद में आएगा, तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू डॉट बी क्रॉस बी. ओके, इट इज द फाइनल, इट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज पार्टिकल. नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन, सिंस फोर्स इज अ डायरेक्ट, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, so what is the direction of this force which are acting on that charged particle. So in your 11th class when you had studied the chapter vector, you can determine the direction of this force by your right hand screw rule. First aapko ye jo char fingers hain वेलोसिटी वेक्टर की तरह मूव करना, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन है, इधर आपका एक्स वाई प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड आपका वाई डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी वेक्टर की तरफ अपने चार उंगलियों को करेंगे. पहले तो ये जो थंब है आपका, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये इन चार उंगलियों के राइट एंगल पे होना चाहिए. अब वेलोसिटी वेक्टर की तरफ अब इन चार उंगलियों को करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो जो थंब का डायरेक्शन होता है वही इस फोर्स का डायरेक्शन होता है. तो यहाँ पे देखिए, आप एक्स वाई प्लेन में वेलोसिटी वेक्टर की तरफ फिंगर को करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ेंगे जो कि वाई डायरेक्शन की तरफ है, तो आपका थंब ऊपर की ओर डायरेक्ट कर रहा है, इट मीन्स इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन किधर होता है, परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड जेड एक्सिस. ओके, दिस फोर्स चलिए इट मींस द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो वी कैन राइट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर to both the velocity vector or the velocity of charged particle and magnetic field. Okay? अब हम इसमें कुछ केसेस पढ़ेंगे कि जब भी चार्ज विलेश में होता है या मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है तो उस पर कितना फोर्स काम करता है, इसको हम इरेज कर रहे हैं. सपोज दैट दिस इज योर इक्वेशन नंबर फोर, सपोज दैट दिस इज योर इक्वेशन नंबर फोर. नाउ केस फर्स्ट, Suppose that the charge is at rest in magnetic field.
charge is suppose that the charge is at rest in magnetic field, it means the velocity is equal to zero. When velocity of charged particle is equal to zero, then from equation 4, what is the force acting on this? F is equal to QVB sin theta. QVB sin theta, put the value of B is equal to 0, then force comes out to be 0. It means, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट की कंडीशन में होगा तो उसकी वेलोसिटी नहीं होगी, यानी वेलोसिटी उसकी जीरो होगी और उस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. ठीक है. नाउ केस टू. केस टू, if theta is equal to 0 degree or 180 degree, if theta is equal to 0 degree or 180 degree, it means the charged particle moving either parallel to magnetic field or anti parallel to magnetic field, then what is the force? F is equal to QVB sin 0 or sin 180, the value of sin 0 is equal to 0. So F is equal to 0. It means whenever the charged particle moving either parallel or anti-parallel to magnetic field, then the magnetic force acting on that charged particle is equal to 0. So charged particle cannot change their path of motion in this case. Now case third. If theta is equal to 90 degree, यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में उसके परपेंडिकुलर एंटर करता है विद वेलोसिटी वी, देन व्हाट इज द फोर्स? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? इट इज गिवन एज क्यू वी बी साइन 90 degree. The value of theta is equal to 90 degree and the value of sin 90 is equal to 1. At this time, the force acting on that particle will be maximum. So, जब भी right angle पे कोई charge magnetic field के से right angle पे कोई charge enter करेगा with velocity v, तो उस पे maximum force कितना काम करता है? QVB. Okay? So students, kindly read this lecture very carefully and make your notes, complete your notes in your notebook, and if you have any doubt, then you can ask this topic in your upcoming lecture. Thank you so much.